कृपाओं की मां तेरे चरणों में आए हैं बालक हम। कृपाओं की मां तेरे चरणों में आए हैं बालक हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु मेरी सहायता करने को तत्पर हो। हे प्रभु मेरी शीघ्र सहायता कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर तूने धन्य कुंवारी मरियम के द्वारा मानव जाति को मुक्ति का वरदान दिया है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि जिनके द्वारा जीवन दाता प्रभु यीशु हमें प्राप्त हुए हैं उनकी शक्तिशाली प्रार्थना हमारी सहायता करती रहे। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं आमीन। याति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी मरियम समस्त कृपाओं की मध्यस्था तू हमारी रक्षिका और आशा है। आज हम तेरे पास आते हैं। हम ईश्वर को और तुझे सब वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपना प्रेम प्रकट करने के लिए तेरी सेवा करने तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोगों को तेरे निकट लाने की प्रतिज्ञा करते हैं। हे ईश्वरी कृपाओं की माता हमें पाप की जोखिमों पर विजय पाने की शक्ति प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रति पूर्ण प्रेम और पवित्र मरण का वरदान प्रदान करने की कृपा कर जिससे हम सदा सर्वदा तेरे तथा तेरे पुत्र के साथ निवास करें आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उस समय गलीलिया के काने में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया भद्रे इससे मुझको और आपको क्या अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। वहां यहूदियों की शुद्धिकरण के लिए पत्र के जे मटके रखे थे उनमें दो दो तीन दिन मना समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा आप निकाल कर भोज के प्रबंध के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दुल्हे को बुलाकर कहा सबको ही पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर खटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काने में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनकी शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हे स्वर्गीय परमपिता अपने एकत्र भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल। उनकी निवेदनों को स्वीकार कर जो हम कृपाओं की माता के द्वारा मांगते हैं। हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट अन्य बिशप पुरोहित एवं धर्म समाजी
अपनी निस्वार्थ जीवन द्वारा हमें प्रेरणा प्रदान करे। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। पृथ्वी के सभी नेतागण, खासकर भारत के शासक, विवेक और सच्चे सहयोग से अपना कर्तव्य निभाए, ताकि संपूर्ण संसार में शांति और भाईचारा स्थापित हो सके। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, वह पाप से सदा दूर रहे तथा अपने पवित्र एवं प्रेमी जीवन से दूसरे भाई बहनों की ज्योति बने। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। जो रोग से पीड़ित है, अनाथ है और गरीब है या बुढ़ापे से कमजोर है, उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु कुवारी मरियम, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुवारियों की कुवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाया हूँ और कराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे ख्रिस्त की माँ, मेरी विनती अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। यह उचित है कि हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि समस्त कृपाओं की मध्यस्थता माता मरियम के द्वारा हमें असंख्य वरदान मिले हैं। हे पिता ईश्वर, सब दानों के दाता, हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारा है, सबका स्रोत तू ही है। हमें सिखा कि तेरे अपार स्नेह से मिले सभी वरदानों के लिए हम सदा कृतज्ञ बने रहें, और हमारी सहायता कर ताकि हम सच्चे मन तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। आमीन। आइए हम इसे यीशु से प्रभु को धन्यवाद दें। कृपाओं की माता के मध्यस्थता द्वारा जो भी आशीष और अनुग्रह हमने प्राप्त किए, उन सभी वरदानों के लिए साथ साथ हम अपनी सारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को कृपाओं की माता के मध्यस्थता द्वारा प्रभु के चरणों में रखे। विशेष रूप से हमारी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, हमारी पारिवारिक आवश्यकताएं हैं, जो हमारी सामूहिक आवश्यकताएं हैं, सब कुछ विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ माँ मरियम के समक्ष रखे। और ये विश्वास करें, माँ मरियम काना के विवाह में जिस प्रकार उस परिवार के लिए प्रभु यीशु के सामने विनती की, मध्यस्थता की, उसी तरह हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु वो हमारे लिए भी मध्यस्थता करेंगे। हम सब रोगियों के लिए प्रार्थना करें, जो यहाँ उपस्थित है और जो उपस्थित नहीं है। हे परम दयालु पिता और सांत्वना के सागर, तू अपने प्राणियों पर नाना प्रकार के दया प्रदर्शित करके उन्हें मानसिक और शारीरिक रोग से चंगा करने की कृपा करता है। कृपया हमारे इन रोगी भाई बहनों को रोग शैया से उठने दे और इन्हें स्वस्थ कर, ताकि न्याय और पवित्रता के साथ वे तेरी सेवा करें और तेरी दया के लिए तुझे सदा उचित धन्यवाद देते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे माता मरियम, रोगियों के स्वास्थ्य, पापियों की शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके साथ हो कि वे आपकी रक्षा करें, वे आप में हो कि आपका आपको सुरक्षित रखे, वे आपके सम्मुख हो कि आपको संभाले, वे आपके ऊपर हो कि आपको आशीर्वाद दे। वे ही प्रभु जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र, पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बने रहे। आमीन। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारे जीवन, हमारी मधुरता और आशा, तुझे प्रणाम। हम एवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद
अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेमी, हे मधुर कुमारी मरिया, हे कुवारी मरिया, मुझको तेरी प्रशंसा करने की योग्य बना और मुझको तेरे शत्रुओं पर प्रबल होने की शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, निर्बलों के बल तुझसे हमारे निवेदन है कि जिन पवित्र माता का स्मरण हम कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं द्वारा हमें शत्रुओं से बचा और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम अपने पापों से मुक्त होकर सदा तेरी शांति में आनंदमय जीवन बिताएं। आमीन। जीवन में संसार